तो अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू गिव ए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू 1 × 10⁻³ मोलर। आपको उसका पीके ए भी गिवन है 4.74। हम कैसे उसको बता सकते हैं कि भाई आपके पास एक वीक एसिड है, ठीक है, और वीक एसिड के लिए वैसे तो पीएच निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता ही है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, लेकिन फिर भी बच्चों को जब हम बताते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि फॉर्मूले कम से कम आप याद करो, लॉजिक समझोगे तो उतना बढ़िया रहता। तो हम भी इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं कि भाई आपके पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड तो जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है एसीटेट आयन। अब बेसिकली एसिड आपका एसिडिक एसिड जो है वो क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बोले कि भाई मान लीजिए मैंने कंसेंट्रेशन, तो वैसे हमें यहाँ पे गिवन है भी नहीं, हम मान लेते हैं कंसेंट्रेशन सी है इसकी इनिशियली, टी इक्वल टू जीरो पर मान लेते हैं कि कंसेंट्रेशन जो एसिडिक एसिड की वो सी है। तो एट इक्विलिब्रियम कुछ मान लीजिए अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा तो सी माइनस एक्स हो जाएगा, तो एसिडेट आयन कितना बनेगा, एक्स बनेगा, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो क्या हम इसके लिए के ए लिख सकते हैं, तो के ए क्या हो जाएगा इसके लिए, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडेट आयन कितनी एक्स, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी एक्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड कितना सी माइनस एक्स, जहां पर ये आपका एक्स जो है वो कंसेंट्रेशन के कंपेयर में क्या होगा, नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू यदि अपन देखें यहाँ पर आपको वैसे तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन गिवन है और गिवन पी के ए है, ठीक है, तो पी के ए है वो 4.74 है, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1.8 × 10⁵ निकल के आएगा। तो आप के निकालेंगे, जो पी के होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के होता है, ठीक है। तो 10⁻ जो के निकलेगा वो 10⁻ - pk से आप जब निकालोगे इसको तो आपका आंसर आएगा करीब करीब 1.8 × 10⁻¹। अब इसको यदि हम नेगलेक्ट हो जाएगा तो के ए इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन सी। तो एक्स इक्वल टू एक्स बेसिकली यहाँ पर है किस क्या, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट के ए इंटू सी। तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, जो कि हमें कितना गिवन है 10⁻³ गिवन है, के की वैल्यू कितनी गिवन है, ये के अभी बताया मैंने कितना हो जाएगा, पीके से निकालोगे तो 1.8 × 10⁻⁵ इंटू सी, सी कितना है ये हमें निकालना है अंडर रूट, यदि स्क्वायर खोल दे कर देंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶ इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁵ इंटू कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन कितना निकल के आ रहा है आपका 10⁻⁹ डिवाइड बाय 1.8 का, ठीक। कंसेंट्रेशन होती क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल कैसे निकाला जाएगा, गिवन वेट कितना 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, इसको 1/18 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये अपना आ गया वॉल्यूम, सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया 3 लीटर आ गया, ये सॉल्व करोगे तो 10/60 है कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 6 बचेगा, 18/6 कितना 3 लीटर, तो ये आपका आंसर आ गया 3 लीटर, ठीक है। ये आपका वीक एसिड था, वीक एसिड के लिए एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है हमारे पास अंडर रूट के इनटू सी, अब उससे भी कर सकते हैं। ये जब आता है जब आपका यहाँ पे ये एक्स को नेगलेक्ट किया जाता है, अब ये नेगलेक्ट कब होता है उसके पीछे भी लॉजिक होते हैं कि यदि आपका के ए अपॉन सी की जो वैल्यू है वो आपकी 10⁻³ से कम होती है तो हम यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसेंट्रेशन पता ही नहीं है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।